हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क तेवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका आप आंसर देख लो और अपने बनाए हुए सेंटेंसेस से इसको मैच कर लो। ओके फ्रेंड्स, ये रहे आज के पिछले क्लास के दिए हुए जवाब। तो आपने अगर बनाया है तो इसको आप अपने सेंटेंसेस से मैच कर लो, जहाँ पर भी गलतियाँ हैं उसको सुधार लो। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, इज आर एम से संबंधित इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। ओके फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ आपको, बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूँ, बट ये जो सीरीज चल रहा है ये प्रैक्टिस क्लासेज चल रही है। ओके फ्रेंड्स, प्रैक्टिस क्लासेज, फिर भी मैं इसमें आपको फार्मूला बताते चल रहा हूँ कि कैसे बनाते हैं उसको, बट ये प्रैक्टिस क्लासेज है जिसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को अचीव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश ज़्यादा सीख पाएंगे आप, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आज शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होता है, मीन्स प्रश्नवाचक में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दो तरह के सेंटेंसेज आते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और एक वो जो डब्ल्यू एच से बनाए जाते हैं। डब्ल्यू एच मीन्स व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, व्हिच, व्हेयर, ये सब जितने भी हैं डब्ल्यू एच वाले उनसे बनाए जाते हैं। तो उनको हम आज नहीं सीखेंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्योंकि वो अलग है, उनको मैंने क्वेश्चन वर्ड के दायरे में रखा है। ओके फ्रेंड्स, अभी जो मैं बताऊँगा इंट्रोगेटिव में वो क्या से शुरू होने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे हम क्या से एक सेंटेंस लेते हैं, क्या क्या वे लोग तैयार हैं, क्या वे लोग तैयार हैं, हम पूछ रहे हैं ये क्या वे लोग तैयार हैं। इसका जवाब हम सिर्फ हाँ और ना में देते हैं कि हाँ तैयार हैं, हाँ नहीं, नहीं तैयार है तो नहीं। ओके फ्रेंड्स, ये होता है इंट्रोगेटिव जो क्या से शुरू होते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं जिसमें डब्ल्यू एच का इस्तेमाल किया जाता है उसका जवाब हम सिर्फ हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वे लोग के लिए क्या लिखते हैं, दे, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो आर अब हम इधर लिखेंगे शुरू में, न कि इधर, आर दे, फिर जो बचा है वो लिखेंगे रेडी। बहुत ही सिंपल है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका इस्तेमाल हम सबसे पहले यानी शुरुआत में करेंगे, सेंटेंसेस के शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी जैसे अगर हम इसमें नेगेटिव बोलते हैं कि क्या वे लोग तैयार नहीं हैं, क्या वे लोग तैयार नहीं है, तो वह ऐसा ही बनेगा, बस जो नॉट है जहाँ पर लगता था वो उसी अपनी जगह पर रहेगा, आर दे नॉट इधर ही रह जाएगा, नॉट रेडी। ओके फ्रेंड्स, आर दे नॉट रेडी, या आप शॉर्ट फॉर्म इसका बोलना चाहते हैं तो नॉट को इसके साथ मिला दो आप आर के साथ, तो आरंट हो जाता है, आरंट दे रेडी। ओके फ्रेंड्स, आरंट दे रेडी। अभी क्या यह तुम्हारी बुक है, क्या यह तुम्हारी बुक है, तो इसका हम बोलेंगे क्या यह, यह का इंग्लिश क्या होता है, दिस, या इट भी लिख सकते हैं, तो दिस के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो इज सबसे पहले लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, इस यानी कि हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ रहा है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर क्या लगा हो सेंटेंस में तो, इज दिस योर बुक। ओके फ्रेंड्स, अगर इसी का हम नेगेटिव बनाते हैं कि क्या यह तुम्हारी बुक नहीं है, तो यहाँ पर हम बना देंगे इज दिस नॉट योर बुक। ओके फ्रेंड्स, या इज और नॉट को हम साथ में लिखेंगे तो हो जाएगा isn't this your book, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, अगर आप शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए, ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट फॉर्म का, ज़्यादातर लोग शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, aren't, isn't। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आर प्लस नॉट अगर होगा तो उसको हो जाएगा aren't, उसको aren't बोलते हैं। ओके, और इज प्लस नॉट होता है तो उसको साथ में हम बोलेंगे तो ये हो जाएगा isn't। ओके फ्रेंड्स, ये होगा। अभी हम कुछ सेंटेंसेस इस पर और बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स,
जब मैं हिंदी में सेंटेंस बोलता हूँ तो आप भी उसके साथ इंग्लिश में बोला करो, ओके फ्रेंड्स। वैसे हालांकि मैं तो बता ही देता हूँ, फिर बाद में जो होमवर्क के लिए देता हूँ वो आपके लिए होता है, ओके फ्रेंड्स। सो शुरू करते हैं। क्या यह तुम्हारी कुर्सी है? इज इट योर चेयर? क्या यह तुम्हारी कुर्सी नहीं है? इजंट इट योर चेयर? या इज इट नॉट योर चेयर? क्या वे लोग तुम्हारे दोस्त हैं? आर दे योर फ्रेंड? क्या वे लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? आर दे नॉट योर फ्रेंड? या आरंट दे योर फ्रेंड? ओके फ्रेंड्स। क्या तुम्हारी माँ खुश नहीं है? इज योर मदर नॉट हैप्पी? इजंट योर मदर हैप्पी? क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे नाराज नहीं हैं? इज योर फादर नॉट एंग्री विथ यू? या इजंट योर फादर एंग्री विथ यू? क्या उसकी दुकान आज खुली नहीं है? इज हिज शॉप नॉट ओपन टुडे? या इजंट हिज शॉप नॉट ओपन टुडे? क्या उसका घर बड़ा नहीं है? इज हिज हाउस नॉट बिग? या इजंट हिज हाउस बिग? ओके फ्रेंड्स। क्या वह तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर? क्या वह तुम्हारा भाई नहीं है? इज ही नॉट योर ब्रदर? या इजंट ही योर ब्रदर? क्या आज सोमवार है? इज इट मंडे टुडे? क्या आज सोमवार नहीं है? इजंट इट मंडे? खाली हम इतना भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ हम इतना भी बोल सकते हैं कि इजंट इट मंडे या इज इट मंडे, कि आज सोमवार है। यहाँ पर टुडे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इज लगा दिया मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, यानी आज की बात कर रहे हैं। तो इज इट मंडे, क्या आज सोमवार है? ओके फ्रेंड्स। क्या हम लोग तुम्हारे दोस्त नहीं हैं? आर वी नॉट योर फ्रेंड? आरंट वी योर फ्रेंड? क्या तुम्हारी किताब खो गई है? इज योर बुक लॉस्ट? क्या तुम्हारी किताब नहीं खोई है? इजंट योर बुक लॉस्ट? क्या वह कुत्ता पागल है? इज दैट डॉग मैड? क्या वह कुत्ता पागल नहीं है? इज दैट डॉग नॉट मैड? या इजंट दैट डॉग मैड? ओके फ्रेंड्स, तो अभी कुछ सेंटेंसेस स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जिसको आप लिख लेना या स्क्रीन शॉट ले लेना और उसको आप घर पे प्रैक्टिस करना। ओके फ्रेंड्स, ये रहे सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, ये रहे आज के लिए होमवर्क। आप इन सेंटेंसेस को या तो नोटबुक में लिख लो या स्क्रीन शॉट ले लो और बाद में इसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट करना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा और प्रैक्टिस भी अच्छी हुई होगी। और बहुत सारे सेंटेंसेस तो आपको मैंने दिए ही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको आप प्रैक्टिस करना घर पे। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सचमुच में सीखना चाहते हैं तो आप रेगुलर क्लास देखो। ये क्लास उनके लिए हैं जिनको इंग्लिश में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, उनके लिए शुरू किया है। आप शुरुआत से देखो, बिल्कुल शुरू से देखो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। रेगुलर क्लास देखते जो आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप एक दिन इंग्लिश बोलना ज़रूर सीख जाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।